वेलकम टू एनके क्लासेस। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने थर्मल स्ट्रेस पढ़ा था कि वो कैसे इंड्यूस्ड होता है किसी भी बॉडी में। थर्मल स्ट्रेस जो है वो टेम्परेचर के फॉल और राइज के कारण इंड्यूस्ड होता है किसी भी बॉडी में। सो हमने सिंपली एक ही मटेरियल के लिए थर्मल स्ट्रेस पढ़ा था। आज हम दो या दो से ज्यादा मटेरियल में थर्मल स्ट्रेस कैसे इंड्यूस्ड होता है वो देखेंगे। सो जब भी कोई मटेरियल दो या दो से ज्यादा चीज से बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट बार्स। सो कंपोजिट बार्स दो या दो से ज्यादा मटेरियल से बने हुए हैं। हमने पहले भी कंपोजिट बार्स देखा हुआ है, बट वहां पे क्या एक्सटर्नल फोर्स के कारण स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से उसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक बार है जो कि दो मटेरियल से बना हुआ है, एक है ब्रास और दूसरा है स्टील। और जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ब्रास का वो ग्रेटर होता है किससे, स्टील से। नाउ जब हम इसमें टेम्परेचर राइज करेंगे तो टेम्परेचर राइज होने के कारण इसमें इलोंगेशन आएगा और इलोंगेशन कितना आएगा, अल्फा टी एल। अब नाउ मटेरियल अलग अलग है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है थर्मल एक्सपेंशन है वो भी अलग अलग है, तो जो दोनों में इलोंगेशन आएगा वो भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यहां पे देखिए टी सेम है क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल है, तो जो टेम्परेचर है वो सेम राइज होगा। तो यहां पे भी टी राइज हो रहा है, यहां पे भी टी राइज हो रहा है। जो लेंथ है दोनों की वो भी क्या है, सेम है। तो जो आपका डेल एल है वो डिपेंड करेगा अल्फा पे, सिंस डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। तो जिसका अल्फा ग्रेटर होगा उसके इलोंगेशन भी ग्रेटर होगा। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो अल्फा किसका ग्रेटर है, ब्रास का, तो जो इलोंगेशन आएगा वो भी ज्यादा किसका आएगा, ब्रास का। सो ब्रास ज्यादा इलोंगेट कर देगा और स्टील कम इलोंगेट होगा। बट यहां पे ये बार्स कैसे, कंपोजिट बार्स है, और कंपोजिट बार्स वो होते हैं जो कि सेम इलोंगेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर यहां पे आपको सेम इलोंगेशन प्रोवाइड कराना है, मींस दोनों मटेरियल का इलोंगेशन सेम हो, तो उसके लिए इनको कंपनसेट होना पड़ेगा। अब कंपनसेट होना पड़ेगा तो ब्रास थोड़ा सा पीछे आ जाएगा और स्टील थोड़ा आगे चला जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि जब ब्रास पीछे आएगा तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स, और जब स्टील थोड़ा आगे जाएगा तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स। सो यहां पे आपका दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है जिसमें इलोंगेशन होता है किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। सो पहले पार्ट में जो इलोंगेशन होता है वो टेम्परेचर के कारण होता है, और दूसरे पार्ट में जो इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन होता है वो आपका टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स के कारण होता है। सो चीजें, तो अब जब भी ये कंपनसेट हो जाएंगे तो दोनों का जो इलोंगेशन है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जिसका अल्फा ग्रेटर होगा वो ज्यादा इलोंगेट करेगा और जिसका अल्फा कम होगा वो कम इलोंगेट करेगा। तो उसके कारण क्या होगा कि दोनों में डिफरेंस आ जाएगा इलोंगेशन में। अब नाउ वो एक ही मटेरियल है, कंपोजिट बार है, तो उनका इलोंगेशन सेम होना चाहिए। तो उसके कारण जो ब्रास है उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और जो स्टील है उसमें टेंसाइल फोर्स लगेगा। फिर बाद में वो दोनों एक ही इलोंगेशन शो करेंगे। नाउ जो लोड होता है ब्रास और जो लोड होगा स्टील पे वो सेम होगा क्योंकि यहां पे कोई भी एक्सटर्नल लोड एक्ट नहीं कर रहा है। तो अब लोड को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया। अगर ब्रास का लिखेंगे तो सिग्मा बी इंटू ए बी, और स्टील का लिखेंगे तो सिग्मा एस इंटू एस, और ये हम इसको क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। सो ये हमने फोर्स लिख लिए दोनों पे और उनको इक्वल कर दिया। यहां पे फोर्स इक्वल क्यों है, क्योंकि यहां पे कोई भी एक्सटर्नल लोड एक्ट नहीं हो रहा है, जो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रही है वो टेम्परेचर की वजह से हो रही है, और टेम्परेचर पूरे असेंबली पे एक ही लगेगा, इसलिए जो लोड होगा ब्रास पे और स्टील पे वो सेम होगा। तो हम उसकी मदद से ऐसे लिख सकते हैं, सो लोड ऑन दी ब्रास इज इक्वल्स टू लोड ऑन दी स्टील। जो लोड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स को लिखेंगे तो स्ट्रेस इंटू एरिया, ब्रास के लिए लिखेंगे तो सिग्मा बी इंटू ए बी, और स्टील के लिए लिखेंगे तो सिग्मा एस इंटू एस। आगे बढ़ते हैं, अब एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील देखते हैं। तो हमने अभी देखा था कि जो स्टील में एक्सपेंशन है वो दो तरीके से आएगा, पहला जो है आपका टेम्परेचर राइज के कारण,
और दूसरा जो है वो टेंसाइल फोर्स के कारण। सो अगर हम एक्चुअल एक्सपांशन ऑफ स्टील देखें तो फ्री एक्सपांशन ऑफ स्टील ड्यू टू टेम्परेचर प्लस एक्सपांशन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ जो टेम्परेचर के कारण होगा वो कितना जाएगा, अल्फा टी इंटू एल, अल्फा टी इंटू एल, क्योंकि हमने अभी देखा था थर्मल स्ट्रेस में हम कैसे एक्सपांशन निकालते थे, अल्फा टी इंटू एल। सो ये किसके कारण आया गाइस, ये टेम्परेचर के कारण आया। नाउ जो अब जो टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है उसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव आएगी जो भी इलोंगेशन आएगा वो, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस के कारण या टेंसाइल फोर्स के कारण जो इलोंगेशन आता है वो पॉजिटिव आता है। तो यहां पे हमने पॉजिटिव साइन लगाया प्लस, अब ये इलोंगेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेन क्या होता है हमारा, स्ट्रेस बाय ई। सो स्ट्रेस एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, डेल एल बाय एल इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय ई, और डेल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्ट्रेस बाय इन टू एल। सो अगर हम स्टील का लिख रहे हैं तो क्या लिख देंगे, सिग्मा एस बाय ई एस इन टू एल, ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंशन आएगा किसके लिए, स्टील के लिए। हम सिमिलरली ब्रास के लिए निकाल सकते हैं। अब ब्रास में सबसे पहले हमने थर्मल स्ट्रेस के कारण निकाला, मीन्स ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अल्फा टी इंटू एल। अब यहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ब्रास में, ब्रास में क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण नेगेटिव इलोंगेशन आएगा, मीन डिफॉर्मेशन आएगा, और यहां पे सिग्मा बाय ई इंटू ए, ये किसके कारण हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण हो जाएगा। नाउ जो आपका टोटल इलोंगेशन है दोनों मटेरियल के लिए वो सेम है, मीन्स ब्रास के लिए जितना इलोंगेशन उतना ही स्टील के लिए, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा एस इंटू टी इंटू एल प्लस सिग्मा एस बाय ई एस इंटू एल इज इक्वल्स टू अल्फा बी इंटू टी इंटू एल माइनस सिग्मा बी बाय ई बी इंटू एल। इसको हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे सकते हैं और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो सिग्मा ए से और सिग्मा बी है वो हमको मिल जाएंगे। यहां पे जब लेंथ सेम होगी तो लेंथ जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सो गाइज ये इसका प्रोसीजर होता है थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स में फाइंड करने का, जो भी दो मटेरियल होते हैं उनके अंदर जो स्ट्रेस होती है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट से फाइंड कर सकते हैं। जस्ट हमको एक चीज याद रहना चाहिए कि जिसका अल्फा ग्रेटर होगा उसका जो इलोंगेशन होगा वो ज्यादा होगा, तो जिसका इलोंगेशन ज्यादा होगा उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लगती है, और जिसका इलोंगेशन कम होगा या जिसका अल्फा कम होगा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी, तभी तो वो बैलेंस होगा। जिसमें कम होगा उसको देंगे तो वो बैलेंस होगा, तो वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा, तो उसके यहां पे क्या लगेंगे, पॉजिटिव साइन। और जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो कंपनसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए पीछे आएगा तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और वहां पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। सो यही कॉन्सेप्ट होता है थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स का, हमको ये ध्यान रखना है कि जिसका अल्फा उसका इलोंगेशन ज्यादा। सो गाइज अब इसमें हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। सो हमको एक असेंबली देंगे और उस असेंबली में हमको देखना है कि किसका अल्फा ग्रेटर है और किसका अल्फा कम है। ए 15 mm डायमीटर स्टील रोड पासेस सेंट्रली थ्रू ए कॉपर ट्यूब 50 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 40 mm इंटरनल डायमीटर। द ट्यूब इज इनक्लोज्ड एट ईच एंड बाय रिजिड प्लेट्स ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। इफ द टेम्परेचर ऑफ द असेंबली इज राइज्ड बाय 60 degree, सो जो टेम्परेचर है वो 60 degree से इंक्रीज हो गया है, कैलकुलेट द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कॉपर एंड स्टील। सो हमको यहाँ पे जो कॉपर और स्टील में कितनी स्ट्रेसेस, या हम बोल सकते हैं थर्मल स्ट्रेसेस जो डेवलप्ड होगी वो हमको फाइंड करना है। हमको जितने भी कॉन्स्टेंट है वो हमको गिवन है। सो ई एस हमको गिवन है 2.1 × 10^5, और अल्फा एस गिवन है 12 × 10^-6 पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ई सी हमको गिवन है 1.05 × 10^5 न्यूटन पर mm², एंड अल्फा सी हमको गिवन है 17.5 × 10^-6 पर डिग्री सेल्सियस। सो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, तो गिवन में हमारे पास जो राइज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी वो कितना है हमारे पास, 60 degree Celsius। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया जो है हमारा स्टील रोड है, तो यहाँ पे डायमीटर कितना गिवन है, 15 mm। सो एरिया ऑफ स्टील रोड कितना आ जाएगा,
एरिया ऑफ स्टील रोड पाई बाय 4 इंटू 15 का स्क्वायर। सो गाइज ये हम फाइंड कर सकते हैं पाई बाय 4 इंटू 15 का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास 176.715 mm स्क्वायर। ये हमने स्टील रोड का एरिया निकाल लिया। अब हम कॉपर ट्यूब का एरिया निकाल लेते हैं। तो जो कॉपर ट्यूब है वो होलो है, तो उसका एरिया हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू एक्सटर्नल माइनस इंटरनल का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 4 इंटू, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल डायमीटर आपको कितना गिवन है 50 और इंटरनल डायमीटर आपको कितना गिवन है 40। सो ये आ जाएगा आपका 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। सो ये हम फाइंड कर लेते हैं माइनस 40 का स्क्वायर। सो ये आ गया गाइस 706.86 mm स्क्वायर। सो सबसे पहले जब भी आपका कंपोजिट बार आए थर्मल स्ट्रेस में, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे जितने भी मटेरियल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो मटेरियल थे, एक स्टील था और एक कॉपर था, तो दोनों के लिए हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। नाउ जो आपका लोड होगा, लोड ऑन स्टील रोड इक्वल्स टू क्या होगा, लोड ऑन कॉपर ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है, सिर्फ टेम्परेचर राइज हुआ है, तो उसके कारण स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी। और जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी तो उनमें जो लोड आएगा स्टील रोड और कॉपर ट्यूब में वो सेम आएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं सिग्मा एस इंटू ए एस, और इधर हम लिख सकते हैं सिग्मा सी इंटू ए सी। अब अगर हम देखें सिग्मा एस इंटू ए एस की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, तो 176.715 इज इक्वल्स टू सिग्मा सी इंटू, यह आ जाएगा आपका 6.86। अब जब हम रिलेशन निकालेंगे तो इसको नीचे लेके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा सी। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी गाइस, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हमको सेकेंड इक्वेशन बनानी है, तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि जो अल्फा सी है वो ग्रेटर है किससे, अल्फा एस से। तो हम इसी के बेस जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो देखेंगे। तो अल्फा सी अगर ग्रेटर है तो ये ज्यादा इलोंगेट होगा और इसमें बाद में क्या आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अल्फा एस हमारा कम है तो इसमें बाद में क्या आएगी, टेंसाइल स्ट्रेस। मीन्स यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पे हम फिर नेगेटिव लेंगे। सो हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए एक्चुअल एक्सपांशन ऑन स्टील रोड। सो एक्चुअल एक्सपांशन ऑन स्टील रोड कितना होगा गाइस, अल्फा एस इंटू टी इंटू एल प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस इंटू एल। यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों आया, क्योंकि अल्फा इसका छोटा है, अल्फा स्मॉल है, तो अल्फा स्मॉल है तो वहां पे बाद में क्या आती है, टेंसाइल स्ट्रेस आती है। और टेंसाइल स्ट्रेस के कारण जो भी इलोंगेशन आएगा उसमें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब एक्चुअल एक्सपांशन ऑन कॉपर ट्यूब देख लेते हैं। सो कॉपर ट्यूब के बाद अब कॉपर का जो अल्फा है वो क्या है, लार्ज है, तो वहां पे क्या आएगी, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। और कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण जो इलोंगेशन हम लेते हैं या डिफॉर्मेशन हम जो लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा सी इंटू टी इंटू एल माइनस सिग्मा सी बाई ई सी इंटू एल। नाउ अब ये कंपोजिट बार है, तो कंपोजिट बार में जो इलोंगेशन होता है वो सेम होता है। सो अल्फा एस इंटू टी इंटू एल प्लस सिग्मा एस बाई ई एस इंटू एल इज इक्वल्स टू अल्फा सी इंटू टी इंटू एल माइनस सिग्मा सी बाई ई सी इंटू एल। नाउ जो लेंथ है वो आपकी सेम है, सो लेंथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये जो सिग्मा सी बाई ई सी हम इसको इधर ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा, और ये जो अल्फा वाली टर्म है हम उसको उस साइड ले जाएं, तो ये हो गया। नाउ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो अल्फा एस है वो हमारे पास कितना है, 4c है। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए जो सिग्मा एस है सॉरी वो हमारे पास कितना है, 4 सिग्मा सी, तो वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं।
तो ये हमारा बन जाएगा 4 सिग्मा सी डिवाइडेड बाय ईएस हमारा कितना है 2.1 इंटू 10 की पावर 5 प्लस सिग्मा सी डिवाइडेड बाय 1.05 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू ये कितना है हमारे पास अल्फा सी 17.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस टी हम कॉमन ले लेंगे और टी हमारे पास कितना है 60 से क्योंकि वो 60 डिग्री से राइज कर रहा है। गाइज अभी हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन आ गई सिग्मा सी के फॉर्म में सो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 60 इंटू 2.1 इंटू 10 की पावर 5 और सिग्मा सी हमारे पास आ जाएगा 11.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये हमने सिग्मा सी निकाल लिया। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वन। तो जब हम इक्वेशन वन में सिग्मा सी की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास सिग्मा एस आ जाएगा तो वो 4 इंटू सिग्मा सी था। तो जब हम इसमें 4 इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 46.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो गाइज हम ऐसे कंपोजिट बार्स में थर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं अलग अलग मटेरियल्स के लिए। जैसे यहाँ पे दो मटेरियल थे हमारे पास ब्रास था और स्टील था और यहाँ पे जब एग्जांपल लिया हमने तब क्या था हमारे पास कॉपर एंड स्टील। सो दो मटेरियल आपको गिवन रहेंगे दोनों मटेरियल का जो भी कॉन्स्टेंट है ई और अल्फा वो भी आपको गिवन रहेगा और उनका डायमीटर क्या है वो भी आपको गिवन रहेंगे। तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के बाद हम पास दो इक्वेशन होती है वो हम बना लेंगे और दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस दोनों मटेरियल के लिए आ जाएगी। इसके पहले भी हम कंपोजिट बार्स कर चुके हैं पर वो एक्सटर्नल लोड के कारण करा था और ये जो कंपोजिट बार्स है जिसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रही है वो थर्मल स्ट्रेसेस है मींस सिर्फ टेम्परेचर राइज के कारण यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप्ड हो रही है और वहां पे जो स्ट्रेस डेवलप्ड होती है वो एक्सटर्नल लोड के कारण होती है। सो दो कंपोजिट बार्स होते हैं जिसमें एक में एक्सटर्नल लोड के कारण स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है और एक में थर्मल स्ट्रेस थर्मल जो टेम्परेचर राइज होता है उसके कारण स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है और उसको हम थर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं। सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और एनके क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।